ये मेरे लिए शर्फ है कि मैं इन शबाए मुकद्दसा में कि जो कायनात आदम आलम में हो रहते हैं जिसका इंतजार अंबिया ने किया, औसिया ने किया, औलिया ने किया, मलाइका ने किया, कुदसिया ने समावात ने किया, ये इंतजार की बशर में है। लेकिन रफ्ता रफ्ता हमारे आईने अकीदा पर जो गर्दे जमाना जमती जा रही है उससे हम रफ्ता रफ्ता उन फरशाए महफिल मजलिस से दूर हो रहे हैं जो हमारे अदब के केसुओं में शाने लिया करते हैं। एक बात ऊपर बुलंदी से अपनी नस्ल को जमीन तक लाता है लेकिन फर्शे जिक्र करबला बुलंदी की तरफ ले जाता है तो इस बात की दलील है। आज के इस दौर में इन महफिलों को सजाए रखना नस्लों के तहफ्फुज की जमानत है। बाप इंसान घर के लिए होता है, अब अबियत उसकी अपने मकान और चार दीवारी और बच्चों तक के लिए होती है लेकिन जब उसके खिदमात की हदूद बढ़ते हैं तो वो माशरे का बाप बन जाता है, वो उम्मत का बाप बन जाता है और तरक्की करते करते जब मकाम एहसान पे आता है तो मुस्तफा का बाप बन जाता है। जब मकाम एहसान तक आता है तो मुस्तफा का बाप बन जाता है। अब एक जुमला फकत इतना कह दूं कि मुस्तफा का बाप वो कि जो अबू तालिब बन के उभरा, इसलिए कि हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा कि शरीयत ने हमें उसकी तरफ सिफारिश की है कि जो हमें पालता है, जो हमें बेटी देता है, जो हमें इल्म देता है वो बाप कहलाता है। तो जो तहफ्फुज दे रहा हो मुरसले आजम को, जो रिस्क दे रहा हो मुरसले आजम को, जो रोटियां खिला रहा हो मुरसले आजम को, उसकी मंजिल क्या होगी? जब मैंने गौर किया तो बस मैं एक शायर से भी कम वक्त लूंगा, ये मेरा वादा है। और रात आपने जाफराबाद में टेलर देख भी लिया है माशाल्लाह से कि 8-9 मिनट के अंदर मैंने गुफ्तगू तमाम की लेकिन आज 4.5 मिनट के अंदर, इसलिए बहुत तेजी से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आज की शब शबे विलादत हजरत अबुल फजल अब्बास रही सलातो व सलाम, और खुदा की कसम सरजमीन इराक पर ज्यारतें करके सिर्फ ना चले आइए चूम कर, जिस तरह अपने गांव की मस्जिदें चूम के सजदे का हक अदा नहीं होता उसी तरह करबला चूम के मकसद करबला का हक अदा नहीं होता। करबला झूमने के लिए नहीं बनाई गई है, करबला झूमने के लिए नहीं बनाई गई है। जब झूमता हुआ कारिये कुरान अच्छा नहीं लगता, मैं कह रहा हूं लिहाजा ये जुमले हैं। आप जहां तक अगर कई आवाजें पहुंच रही हैं अगर अपने बिस्तरों को छोड़ सकते हैं कि सरजमीन इराक पर जब आज के दिन आप पहुंचिएगा तो खुदा की कसम आज इराकी दुनिया इराकी कबाइल रौजा हुसैन पे जाकर के रौजा अब्बास पर ये हरमैन जो कहलाया है वही नहीं कहलाया है। देखे ना, देखिए उलमाए कराम बैठे हैं, मैंने तो मदरसे वगैरह में बहुत कम सबको न हो पढ़ी है, मैं उर्दू में सोचता हूँ, उर्दू में बोलता हूँ, उर्दू में लिखता हूँ, जाहिर है मेरा सब कुछ उर्दू है लेकिन मैंने जब सबको न हो पढ़ी तो मुझे बताया गया कि जैसे एक वचन दो वचन बहु वचन, लेकिन उर्दू में वाहिद और जमा है, संस्कृत में जो है वो वाहिद तस्निया जमा है, अरबी में तो वही वाहिद तस्निया जमा। तो तस्निया के लिए जो कहा गया है ना वो एक मकूला है जो सभी जानते हैं, जबान की बात है कि तस्निया दो बराबर के वज़न को कहते हैं, जब तक बराबर के ना हो तस्निया बनेगा नहीं। हसन और हुसैन बराबर के हैं तब हसनैन है, माँ बाप बराबर के हैं तब वालिदैन है। आप देख ले मंदिर है अलियो बतूल बराबर के हैं तब नैयरैन है, ये सारी मंदिरें तो तस्निया बराबर का होता है। मुझे नहीं पता कि करबला तक अब्बास गुलाम है हुसैन आका है लेकिन करबला के बसने के बाद दोनों के आंसू को हरमैन कहा गया।
आंसुओं को उठा के दिखा दो, करो ना कम से कम एक बात तो, यही मौका मिलता है। तो अरबाब करम आप देखे ना कि न जाने करबला के बाद क्या हुआ कि आका और गुलाम के रिश्ते के रोजे जब बने तो जैसे हसन और हुसैन हसनैन बने, जैसे माँ बाप वालिदैन बने, वैसे रोजे वफा और रोजे सब्र हरमैन बने। देखिए ये बराबर का अगर वजन ना होता तो तस्निया ना होता। देखे मंजिल आगे। अब जाहिर है कि यहां तक जब मैं आया तो जुमला कहूंगा कि लफ्ज़े एहसान ये आज वफा के हवाले से बहुत बड़ी हैसियत रखता है। ये जो मैं दो जुमले में समेट रहा हूँ कोई बात नहीं करूंगा, इसलिए करो महफिल के नाम पर आए हैं, शेर सुनना चाहते हैं, मगर जाहिर है कि शेरी समातों के लिए समातों की इंतका जरूरी है और समातों की इंतका के लिए कम अज कम तत्हीर का तस्करा जरूरी है। लिहाजा समात पाक होना चाहिए ना। तो मैं समातों के हवाले से जुमला कह दूं, बचपन से हम और आप सुनते आए हैं, एक होता है वाजिब, एक होता है एहसान, इताअत। सलाम अलैकुम ये भी एक अमल है, वालेकुम सलाम ये भी एक अमल है, दोनों बराबर के अल्फाज अपने अंदर भिरोए हुए हैं, कहीं लफ्जों में कमी नहीं है। आप लिख के देख लीजिए जितने लफ्ज सलाम अलैकुम में है उतने अलैकुम सलाम में है। हाँ। भाई लफ्ज उतने ही हैं, लेकिन जिसने कहा सलाम अलैकुम का इसको 69 दर्जे का सवाब दे दो, जिसने कहा अलैकुम सलाम का इसको भी 1 दर्जे का दे दो। भाई सवाल ये है कि बात दोनों ने बराबर की है तो भैया इतना ज्यादा फर्क अजर में क्यों हो गया कि जिसने सलाम किया कैसे 69 दो, जिसने जवाब दिया का इसे 1 दो। मालिक ये क्या है पढ़ के शरीयत मुतहर है मोहम्मदिया ने सलाह दी कि इसका फर्क यह है कि जिसने सलाम में पहल की उसने एहसान किया, जिसने सलाम में पहल की उसने एहसान किया। क्यों का इसमें सलाम करना वाजिब नहीं था फिर भी किया, लिहाजा दर्जा 69 इसमें वाजिब था लिहाजा 1। अब समझ में आया अबू तालिब पर यतीम भतीजा पालना वाजिब नहीं था फिर भी पाला, फिर भी पाला तो अल्लाह ने कहा 69 दर्जा इसे। अब इसे एहसान है। अब देखे इताअत, हमने नमाज पढ़ी इताअत, रोजा रखा इताअत, हज किया इताअत, इताअत में हज किया हमने, लेकिन जैसे ही करबला का रुख कर लिया का हज का 1 सवाब और ज़ियारत का 70 सवाब। आप देख लें समझ में नहीं आया ये क्यों हो गया। मेरी तरफ सरकार जरा ये समझिए, मैं भी एक मिसरा पढ़ रहा हूँ, मिसरा है ना, ये खुतबा के जो जुमले होते हैं ये मिसरों से आगे बड़े होते हैं, इसी को धागे से नाप के मिसरा बना दिया जाता है ना। तो बताइए कि धागे से बाद में नापिए, कम अज कम पहले इरफानी कैफियात के जरिए अपने चश्मो अबरू से उसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं आखिरी जुमला में कहने जा रहा हूँ, देखिए एक आपने हमने जवाब दिया वालेकुम सलाम, नमाज पढ़ी वाजिब का हक अदा किया, रोजा रखा वाजिब का हक अदा किया, हज किया वाजिब का हक अदा किया, ये जितने वाजिब है ना इन्हें इताअत कहा जाता है और जितनी सुन्नतें हैं उसे एहसान कहा जाता है। अभी लोग पूछते हैं सुन्नतों का इतना क्यों कहा, लेकिन जब तक वाजिब अदा ना होगा तब तक सुन्नतों का कोई मोल नहीं है। अब समझ में आया, अगर अबू तालिब के सर कोई वाजिब बाकी होता, ना जाने आपने क्या सुना, अगर कोई वाजिब बाकी होता तो ये सुन्नतें कबूल न की जाती। तब एक जुमला कह के मैं बात तमाम कर रहा हूं, इताअत नमाज पढ़ी इताअत, रोजा रखा इताअत। उर्दू में 5वें तक अल्फाज माना के सामने जब दिखाया जाता है, इताअत माने फरमा बरदारी। अब फरमा बरदारी जब दिखाया जाता है तो मुझे कहना पड़ता है लिखो फरमा बरदारी माने, तो उसका तर्जुमा हमारे माशरे में होगा चापलूसी चटोरापन, यही तो होगा। आप देखेंगे भाई इताअत अल्लाह के दिए गए हुक्म पर अमली तौर पर सर तस्लीम खड़ा।
खत्म कर देने का नाम इताअत है, और इताअत के कमाल का नाम है एहसान। कमरा लेते जाओ। इताअत के कमाल का नाम है एहसान, एहसान के कमाल का नाम है वफा। नहीं, मैंने तकबंदी नहीं की है, ये मैंने इल्मी सहकारे आपके हवाले किए हैं। यानी जब इताअत कमाल को पहुंचती है तो इताअत एहसान कहलाती है, एहसान कमाल को पहुंचता है तो वफा कहलाता है, वफा कमाल को पहुंचती है तो गैरत कहलाती है, गैरत कमाल को पहुंचती है तो अब्बास कहलाती है। वाह, अल्लाह जाने क्या सुन रहे थे, मैंने सारी बातें कही। गैरत कमाल को पहुंचती है, मैं कह सकता था कि वफा के कमाल का नाम अब्बास है, तो आवाज आएगी कि बेशक वफा के कमाल का नाम अब्बास है, लेकिन जब कमाल वफा पर अब्बास को देखोगे तो हुसैन देखते हुए नजर आएंगे कि वफा के कमाल का नाम अब्बास है, लेकिन जब ज़ैनब अपनी निगाहों से देखेगी तो आवाज देगी कि गैरत के कमाल का नाम अब्बास। गैरत के कमाल का नाम अब्बास है, ये ज़ैनब ने देखा। इसका मतलब यह है कि खाली अब्बास वफा के कमाल का नाम नहीं है, वफा और गैरत जब अपने कमाल को पहुंच जाए तब अब्बास वजूद में आता है, और जब ऐसा अब्बास वजूद में आता है तब हुसैन आगोश में लेकर के झूले में डालकर झूला झुलाना शुरू करते हैं, तब कायनात को समझ में आता है कि आज फिर मुस्तफा अली को झूला झुला रहे हैं, आज फिर मुस्तफा अली को झूला झुला रहे हैं। शायर ने आवाज दी कि बख्शा शरफ तुझे ये शहे बचरे ऐब नहीं, यानी अली और फातिमा के नूबे ऐब नहीं थे खिदमत हुसैन को रूहुल अमी, मगर अब्बास तेरा झूला झुलाया हुसैन। लिहाजा ये तस्करा है आज सब्र वफा का। आपने वो रात चुनी है कि जहां दिन सब्र का है रात वफा की है, दिन सब्र का है रात वफा की है, दिन सब्र का है रात वफा की है, दिन सब्र का है रात वफा की है। इसीलिए ज़ैनब दिन में शब्बीर को ढूंढती थी, रात में अब्बास को ढूंढती। वैसी मिसाल को तो तमाम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम मेरे अहलियाने वतन और बिलखुसूस मोहल्ला उस्मानपुर, मैं आप सबको बेपनाह मुबारकबाद देता हूँ जश्न सब्र वफा की। और यहाँ के जो हमारे सरप्रस्तान हैं मोहतरम अलहाज डॉक्टर शमशीर साहब, मोहतरम हमारे लल्ला भाई, मोहतरम हमारे असद रजा भाई, ये इतने नाम हैं कि जब मैं लेना शुरू करूँ तो लोग कहेंगे कि शोरा को पुकारने के लिए बुलाया गया, हालांकि मैं उसके लिए कतई तौर पर आमादा नहीं हूँ, क्योंकि हम अपने सालिद भाई को बराबर फेसबुक से सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। ये बेहतरीन माशाल्लाह फेसबुक की भी बहुत अच्छी निजामत करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको जारी रखें। और जाहिर है कि आज की ये निजामत अगर आप जारी रखेंगे तो निजामत में सब्र भी आ जाएगा, वफा भी आ जाएगी। आइए आप हजरात को वही पुकारेंगे, और आप हजरात दिल जमाई के साथ, क्योंकि मैं वो झोला कहता हूँ आखिरी के ओलामा तक आज जाते हैं और रोज़े अब्बास पर हाथ जोड़ के जुमला कहते हैं, या काशफल गर्व हम वजह हुसैन, एक हुसैन के चेहरे से परेशानियों को दूर करने वाले एक शीख कर भी बेहद अती कर हुसैन, तो हमारी परेशानी को भी दूर कर दे अपने आका हुसैन के सदके में। तो जाहिर है अगर ये रात आप समझ सकते हैं इसे तो हलवा मलिदा माड़ा पका के फातिहा कराने से अच्छा रात पर महफिल में जिक्र अब्बास सुना करूँगा।